Start. Yes. So namo namo to everyone. Namo namo. Namo namo. So we are already done with the prayer. हम किसी को भी prayer करवाते हैं तो हमें भी उसका मतलब पता होना चाहिए और उनको भी हम बताना चाहिए मतलब क्या है. तो जो योगिता जी ने बोला है सर्वे व बंधु सुखिनः, इसका मतलब ये कि ओम मे ऑल बिकम हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस, मे ऑल सी व्हाट इज स्पेशियस, मे नो वन सफर, ओम पीस पीस एंड पीस. ओके, सो एट लिम्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा योगा क्या है उसके बारे में पता कर लेते. सो इन बेसिक टर्म्स, बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड माइंड एंड to attain self enlightenment is yoga. It is not only physical appearance, it's combination of mind, body and spirit. So aajkal zyadatar hatha yoga ko like most of the people are into hatha yoga, but they don't know ki mind, body or spirit ka hi kaam hota hai yoga mein. Okay, so types of yoga mein gyan yoga, bhakti yoga, karma योगा, राजयोगा, हठ योगा एंड मंत्र योगा है. ठीक है, तो एट लिम्स में जाने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है. ठीक है, योगा हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फोर स्टेज, प्री वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, क्लासिकल पीरियड, पोस्ट क्लासिकल पीरियड. आफ्टर कमिंग टू क्लासिकल पीरियड, योगा गॉट समराइज्ड बाय पतंजलि योगा सूत्र. This text describes the path of Ashtang Yoga known as classical yoga. तो ये जो third period है classical period में आके yoga को summarized मिला as Patanjali Yoga Sutra. ठीक है, introduction of Ashtang Yoga, the eight limbs of yoga. Hatha Yoga is often considered as stepping stone of Raj Yoga. Because after control of body is mastered, control of mind becomes more easy. Ashtanga Yoga came from Raj Yoga Patanjali. It is known as Ashtanga Yoga or the Yoga of Eight Limbs, each step leading in logical progression to next one. No step can be ignored. Raj Yoga is more scientifically organized. तो ये जो Ashtanga Yoga है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो होता है. अगर किसी को इसमें जाना है, एट लिम्स फॉलो करने हैं, तो दे शुड गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो एट लिम्स ऑफ योगा में फर्स्ट में आता है यम, सेकंड में आता है नियम, थर्ड में आता है आसन, फोर्थ में आता है प्राणायाम, फिफ्थ में आता है प्रत्याहार, सिक्स्थ में आता है धारणा, सेवेंथ में ध्यान एंड लास्ट में समाधि आता है. So we'll go from yam. ठीक है, तो यम में फर्स्ट में आता है अहिंसा. अहिंसा, अहिंसा में नॉट हार्मिंग, शोइंग काइंडनेस टू अदर, इसका मतलब नॉट हार्मिंग, शोइंग काइंडनेस टू अदर. तो मैंने इसको थोड़ा सा कैटेगराइज किया हुआ है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल. तो अहिंसा में जैसे हम जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश करते हैं या कॉन्शियसली उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं, वो फिजिकल में आता है. एंड नॉन फिजिकल में इंटेंशनली वी शुड नॉट हैव नेगेटिव थॉट्स फॉर एनीवन इन आवर माइंड टू हर्ट देम. मतलब फिजिकल तो है ही, पर नॉन फिजिकल में भी हमें ऐसे सोचना भी नहीं है कि मैं किसी तरीके से उसे अपने बातों से उसको हर्ट करूं. होप एवरीवन इज क्लियर. यस ओके. एंड सेकेंड में आता है सत्य, इट्स ट्रूथफुलनेस. To pretend, distort, or lie to other, or to manipulate people for our own selfish concern is satya. Okay, sorry. Selfish concern is against our essential nature. So we need to be honest and truthful. जैसे लोग मतलब सत्य नहीं बोलते हैं, झूठ का साथ मतलब हमें मैनिपुलेट करते हैं कि हम ट्रूथ बोल रहे हैं, मतलब जानबूझ के कि मतलब दे प्रिटेंड टू से ट्रूथ. ठीक है, समझ आया.
एंड थर्ड में आता है असत्य, नॉन स्टीलिंग. ये नॉर्मली चोरी करना और ये सब तो है नॉन स्टीलिंग में, पर मैंने इसको ऐसा भी समझा है कि स्टीलिंग मीन्स स्टीलिंग पीपल टाइम, अफेक्शन, अटेंशन, आइडियाज एंड थॉट्स टू विन और गेन अटेंशन एंड फेम फॉर आवर सेल्फ. जैसे हम नॉन स्टीलिंग में, असत्य में ऐसे समझ सकते हैं इसको, कि कोई भी अपना कुछ बातें कर रहा है तो हमें उसके अटेंशन या आइडियाज भी चोरी नहीं करना चाहिए इंटेंशनली. असत्य नहीं कहते उसको, अस्तेय बोलते, अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय. सो फोर्थ में आता है ब्रह्मचार्य, मॉडरेशन. इट मीन्स टू कंजर्व वाइटल एनर्जी और फोर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेडिटेशन. इट इज द कन्वर्जन वन पावर for a higher purpose, self and God realization. It is not only a single act of restraint, it is a whole way of life that involves moderation in all the activities and the wise restraint all of our retain of all your senses. Okay. Fifth mein aata hai aparigraha, generosity. ठीक है, हमें kind भी होना है. It has The more you live luxurious life, the more things you will want and desire or possess. Possess become endless and bring jealousy, frustration, disappointment and work against being the kind. मतलब हमें simplicity के साथ अपने life जीना है. अगर हम ज्यादा चीजों का demand करते हैं तो शायद हम kind ना हो पाए किसी की तरफ. Okay? तो ये सब चीजें हमें follow करनी है. और नियमांस में हम फर्स्ट में शौच आता है, प्यूरिटी, क्लीनिनेस. जहाँ पे भी हम रहते हैं सराउंडिंग हमें क्लीन रखना चाहिए. इसके साथ साथ हमें अपना माइंड भी क्लीन रखना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना है. ओके, संतोषा में टू बी प्लीज्ड इन व्हाट वी हैव, वो भी हमारे पास है, वी शुड बी प्लीज्ड. ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, हैप्पी रहना है जो कुछ भी है हमारे पास. ओके, और थर्ड में आता है तपस. It literally means that which generate heat. Tapas is energy that is concentrated or focused with conscious willpower on a specific point so that it releases power and set it in motion. Okay. The practice of tapas enable one to strengthen a firm resolve and develop strong willpower to overcome the egoistic nature of the mind. Tapas helps to control and direct the power of mind and body for higher spiritual aim and purpose. So fourth number pe aata hai sabdhya. Kya hai? Yeah. Swadhyaya. So it is a self study that leads to true nature of own self, connected with the goal of life, self and God realization. Self-study is not an intellectual process, but simply a prospective awareness of a moment of mind which arises through our distraction from moment to moment. So, this self-study is not about intellectual ki hame is topic pe hame padhna. It's about ourselves ki hame kya acha lagta hai, hame kis cheez mein conscious hona hai, aur kaise hame jo bhi conscious hue hum uske upar kaam karna hai. Okay. एंड फिफ्थ में आता है ईश्वर पर निधान. ईश्वर पर निधान, ईश्वर प्रणिधान, प्रणिधान. सो दिस इज द सरेंडर टू गॉड, कि हम पूरा सरेंडर होना है गॉड के प्रति. सो हम थर्ड लिंग पे आते हैं, आसन.
its simple term means yoga postures. Asana is physical postures that are done rightly to make us become conscious with the body and sustain healthy body and mind. So हमें आसन्स भी करने मतलब एट लिम्स में आसन का भी मेंशन किया हुआ है. आसन में ताड़ासन, पाद हस्तासन और ये कोबरा पोज वगैरह हो गया, ये करना है. और आसन का डेफिनेशन भी दिया है हठ योग प्रदीपिका ने, सीथर सुखम आसन. सो इसका मतलब ये है कि द पोस्चर शुड बी स्टेडी एंड कंफर्टेबल. कोबरा पोज कहाँ लिखा हुआ है? तो मैंने बुलाया. तो सो यू आर एक्सप्लेनिंग अष्टांगा. अष्टांगा इज फ्रॉम पतंजलि योग सूत्र, राइट? एंड पतंजलि योग सूत्र में जो आपका आगे का डेफिनेशन है ना, स्थिर सुखम आसन, वो पतंजलि का डेफिनेशन है, नॉट हठ योग प्रदीपिका. तो हठ योग लिखा हुआ है ना, हठ योग प्रदीपिका डेफिनेशन. That is actually Sthira Sukham Asana is from Patanjali. Any asana which wherein you are sukhi and still is called asana as per Patanjali. Okay? The posture should be steady and comfortable. Patanjali ka definition ye bhi hai. Posture is that which is firm and pleasant. So all are from Patanjali. Hatha yoga nahi hai isme. Aur hatha yoga ko to aapko dalna hi nahi hai because you are explaining Ashtanga. And Ashtanga is not nothing. Ashtanga has nothing to do with hatha yoga. Okay? So that you will remove it. चलो करो एक्सप्लेन. सो फोर्थ लिम्स में आता है कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ, प्राणायाम. ओके, प्राणायाम मींस रेगुलेटिंग एंड हार्मोनाइजिंग द एनर्जी और सटल लाइफ फोर्स विद इन द बॉडी. प्राणायाम इज नॉट जस्ट रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द ब्रीथ बट डायरेक्ट प्रसेप्शन ऑफ लाइफ प्रिंसिपल. तो प्राणायाम में ये जो अभी हमने प्रैक्टिस किया ब्रह्मरी और शीतली, ये सब भी प्रैक्टिस करना है. ओके ओके, वन मोर थिंग, गो बैक. तो एज पर पतंजलि प्राणायाम क्या है? कंट्रोलिंग योर ब्रेथ. एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राणायाम? पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग है, ठीक है? पतंजलि योग सूत्र के चार पाद है और चार पाद में से सेकेंड पाद है जिसमें समाधि पाद, जिसमें अष्टांग को दिया गया, ठीक है? अष्टांग का एक्सप्लेनेशन दिया गया. अष्टांग का फोर्थ लिम है प्राणायाम. ओके, एंड पतंजलि ने प्राणायाम के बारे में खाली चार बोला है, बाह्यंतर, अभ्यंतर, कुंभक एंड केवल कुंभक, ठीक है ना? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, होल्डिंग योर ब्रेथ एंड ऑटोमेटिक रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, ये चार ही है. तो वो जो भ्रामरी और भस्त्रिका और वो सब हम करते हैं ना, वो हठ योग प्रदीपिका का चैप्टर. ऑलराइट, सो थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करना सीख जाओ कि एक 2500 साल पुरानी एंशियंट टेक्निक है जो पतंजलि योग सूत्र है, एंड एक जो है वो 1000 साल पहले की हठ योग प्रदीपिका. तो हठ योग प्रदीपिका हैज सेड ऑल द आसन्स एंड प्राणायाम. पतंजलि हैज नॉट सेड दैट यू नो यू हैव टू डू भस्त्रिका और भ्रामरी. उस टाइम पे कुछ ये था, सब था ही नहीं. उस टाइम पे खाली चार ही था, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड ब्रेथ. तो व्हाट माय पॉइंट? ओके, दूसरा है प्रतिहार, विड्रॉ फ्रॉम आवर माइंड फ्रॉम द सेंसेस. इन बेसिक टर्म्स इट मींस कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस. प्रतिहार मींस टू विड्रॉ इट इन द रिवर्स डायरेक्शन. इट इज द विड्रॉ ऑफ द माइंड फ्रॉम द 5 सेंसेस एंड देयर प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड. जैसे अभी सर ने भी बताया था, जैसे हमने कौन सा प्राणायाम किया था, हाँ, उसमें हियरिंग, फीलिंग, साइट, टेस्ट, स्मेलिंग, हमें ये सब चीजें कंट्रोल करना है. जैसे हमें कुछ भी चीज अच्छा लगता है खाने के लिए, जो हमें नहीं खाना है उसकी तरफ हमें कंट्रोल करना है कि मुझे ये नहीं खाना है करके. ओके, धारणा, कंसंट्रेशन इज द 6th लिम ऑफ पतंजलि राजयोगा. धारणा इज द फोकस और होल्डिंग ऑफ योर माइंड ऑन 1 पॉइंट, ऑब्जेक्ट और प्लेस. इन दिस स्टेज यू आर नॉट अलाउिंग योर माइंड टू डिवेक्ट फ्रॉम 1 पोजिशन और इंक्रीजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल.
स्वलीन है ध्यान मेडिटेशन टू बी अंडर डीप कॉन्सेंट्रेशन और थॉट इज ध्यान इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द माइंड दैट कैन लीड टू डीप कॉन्सेंट्रेशन कामनेस डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड कामनेस ओके ध्यान मतलब जस्ट मेडिटेट करना है एंड द लास्ट लिम इज समाधि टोटल एब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ऑब्जॉर्प्शन सॉरी Samadhi is a state of meditation to reach the higher level of concentration, self-realization, and union with the God. Samadhi, there is no absolute, no moment of the mind. The mind comes to total standstill. So the last stage is eight limbs. Ke. That's it. Sir. Thank you.